हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। जो लोग बोलते हैं ना राजस्थान में पानी नहीं है, उनको आज पानी के साथ साथ बर्फ भी दिखाने वाला हूं, और वो भी इस टाइम में जब गर्मियां पड़ रही है फुल, इस टाइम में दिखाने वाला हूं। और हम पहुंच चुके हैं किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, और यहाँ से मात्र 200-300 मीटर की दूरी पे है वो। और आप जब भी आते हो आपको एक इस प्रकार की पर्ची, पहले आपको जो एसोसिएशन का ऑफिस है वहाँ पे कटवानी पड़ेगी, जिसमें नाम, बाइक नंबर सब कुछ आपको देना होगा। और अगर आप कैमरा वगैरह कुछ लेके आते हो तो उनके चार्जेस अलग से हैं। मोबाइल केवल फ्री है यहाँ पे, आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो, मोबाइल कोई सा भी लेके आ सकते हो। ड्रोन वगैरह, कैमरा वगैरह, प्री वेडिंग शूट और मूवी वगैरह, गाने वगैरह शूटिंग के लिए काफ़ी सारे पैसे लेते हैं ये लोग, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और टाइमिंग है शाम को 5 बजे का, तो आपको एक बार थोड़ा सा व्यू और दिखा देता हूँ, और चलते हैं वहाँ पे और मिलते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग में लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत की है, कम से कम मैं 120 किलोमीटर चल के आया हूँ। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। और चलिए आपको दिखाते हैं बर्फ और पानी एक साथ, वो भी काफ़ी खूबसूरत तरीके। और वहाँ पे अभी एक वो टाइगर से आपका गाना है वो भी शूट हुआ है, और काफ़ी प्री वेडिंग शूट भी होते हैं यहाँ पे, तो दिखाते हैं आपको कैसा नज़ारा है। तो वीडियो बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, आपका और मेरा इंतज़ार खत्म हुआ, मैं पहुँच चुका हूँ डंपिंग यार्ड, और देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। अभी हम आगे उस साइड में भी चलेंगे, और इस साइड में आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली ये चीज़ है कि यहाँ पे जो भी मार्बल का वेस्ट होता था ना, वो मार्बल का वेस्ट डाला जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से जब भी बारिश का पानी आता है एकदम साफ हो जाता है और उसका कलर एकदम चेंज हो जाता है। तो आपको इस पानी का कलर भी दिखाएंगे। और कई बार क्या होता है, जब हीरो वगैरह यहाँ आते हैं तो हेलीपैड भी यहाँ पे बना हुआ है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे पीछे हेलीपैड बना हुआ है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते हैं और शूटिंग वगैरह होती है, और काफ़ी खूबसूरत जगह है। मैं तो ये कहूँगा, अगर आप जब भी जयपुर वगैरह कहीं से भी बाहर से आते हो तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, जयपुर से 80 किलोमीटर पड़ेगा तकरीबन, और इधर अजमेर से आते हो तो 30 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से आना ज़रूर, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं है, केवल कैमरे वगैरह आप लेके आते हो तो उन चीज़ों का चार्ज है, और जैसे आप शूटिंग वगैरह करोगे तो उनका चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। तो चलिए आगे और चलते हैं और दिखाते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर देना यहीं पर। जब भी आप आते हो, ये जो ऊपर बने हुए हैं इन पे जाना और बढ़िया से सेल्फी लेना। अब यहाँ पे मैं 13 यूज कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी फोटो अच्छी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या कारण है, या तो धूप की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मतलब एकदम ब्लैक ब्लैक लग रहा है, और या पता नहीं है जो मेरे साथ वाला है ये इतना काला है, इस वजह से फोटो ऐसी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो, या कोई कैमरे में दिक्कत है तो इसकी फोटो ब्लैक ले रहा है, और मेरी तो फिर भी थोड़ी चिकनी आ रही है। और ये यहाँ पे शेप दे रहे हैं, अच्छी मशीन लगी हुई है और बड़ा ट्रक लगा हुआ है, और वहाँ पे आंटी जी टिकटॉक बना रही है, ये देखो लहंगा उठा उठा के वीडियो बन रहा है। तो चलिए आपको चलते हैं आंटी जी के पास और उनको पूछते हैं क्या चैनल का नाम है उनका। और ये आ गई है फुल धूप, अब देखते हैं कितना अंतर आता है। अंतर तो आया है लेकिन आंखों को चुभने लगा है भाई। लोग सौरव जोशी की तरह पोपट हो गया, कैमरा फेस चल रहा था और मैं बातें कर रहा था पीछे, तो ये मेरे साथ वाला ये बोल रहा है भाई कैमरा आगे का चल रहा है और पीछे क्या शूट कर रहा है। तो देखो हो जाती है छोटी मोटी गलतियाँ, तो इनको इग्नोर करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए चलते हैं पानी के पास और दिखाते हैं आपको टिकटॉक के स्टार, दिखाते हैं आपको कैसे हैं, अच्छे दिख रहे हैं वैसे, आप भी देख लो। और अब दिखाते हैं पानी, पानी में जो मेरे साथ वाला भाई है इसको दिखाते हैं अंदर घुसा के कैसा है पानी। और एकदम क्लोजअप शॉट पानी के पास में पहुँच गए हैं, पानी को छूने के लिए मना कर किया हुआ है, नहीं तो इसको छू लेते। और पानी काफ़ी खूबसूरत है, आपको दिख रहा होगा, तो इस बात वीडियो को लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइबर, यही तो मांगते हैं आपसे, और मांगते क्या है, 120 किलोमीटर का पेट्रोल के पैसे डाल देना अगर ये काम नहीं कर सकते तो, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ खाने पीने के भी डाल देना। हम नदी पार करते हैं और चलते हैं आगे, और इधर नदी बहुत बड़ी है। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आ रही है, कैमरे की कोई गलती नहीं है, मैं आईफोन 13 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन विजिबिलिटी में यहाँ तो इस मार्बल की वजह से कुछ चमक वमक का कारण है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है अच्छे से। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। रील और फोटोज़ वगैरह आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से दो बार धन्यवाद।